हेलो, वेलकम टू एपिसाइन सेंटर। आज वीडियो रे आमे 16 और 17 अगस्त 2022 रो किछि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किछि इनफॉरमेशन विषय रे डिस्कशन करिबा। प्रतिदिन रो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय रे जानिया पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर व्हिच ब्रिज। वर्ल्ड रो सबुठारु उच्चतम रेलवे ब्रिज क्यों नदी उपरे निर्माण करा जाय छी? यार आंसर होची ऑप्शन सी, चेनाब। सो जम्मू एंड कश्मीर रे चेनाब नदी उपरे वर्ल्ड रो सबुठारु उच्चतम रेलवे ब्रिज को निर्माण करा जाय छी। सो जम्मू एंड कश्मीर रे चेनाब नदी उपरे एही तयारी करा जाय थिबा गोल्डन जॉइंट ब्रिज टी को रिसेंटली उद्घाटन करा जाय छी। तो एहा जम्मू एंड कश्मीर रो जम्मू एंड कश्मीर रे चेनाब नदी उपरे यहाँ को निर्माण करा जाय छी। जम्मू एंड कश्मीर विषय रे टिके देखि दबा, यार समर कैपिटल होची श्रीनगर एवं विंटर कैपिटल होची जम्मू। यार लेफ्टिनेंट गवर्नर होचंती मनोज सिन्हा। सो चेनाब ब्रिज रो गोल्डन जॉइंट वर्ल्ड रो सबुठारु उच्चतम रेलवे ब्रिज हेची, तो ता विषय रे आउ केतोटी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आमे टिके जानि दबा। तो एही ब्रिज रो लेंथ होची 1315 मीटर, अर्थात पाखापाखि 1.3 किलोमीटर, एवं यहाँ नदी रिभर बेड लेवल ठारु यहाँ उच्चता होची, नदी ठारु यहाँ उच्चता होची 359 मीटर। तो यह वर्तमान हो जाइए वर्ल्ड रो सबुठारु उच्चतम रेलवे ब्रिज। तो जदि कंपैरिजन रे देखा जाए यही ब्रिज रो उच्चता पेरिस रो आइफिल टावर ठारु आहुरी 35 मीटर उच्च हेबो। सो यह होची चेनाब नदी उपरे निर्माण करा जाइतिबा गोल्डन जॉइंट ब्रिज। देखिबे हर परवर्ती क्वेश्चन, दनवी पोलो एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन व्हिच स्टेट। क्यों राज्य रे दनवी पोलो एयरपोर्ट टिकु निर्माण करा जाउछि? यार आंसर होची ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश रे दनवी पोलो एयरपोर्ट को निर्माण करा जाउछि। एहा अरुणाचल प्रदेश रो तृतीय एयरपोर्ट हेबाकु जाउछि। तो एहा ईटानगर ठारे निर्माण करा जाउछि। तो अरुणाचल रे एहा निर्माण करा जाउछि। अरुणाचल विषय रे टिके देखि देबा, अरुणाचल रो कैपिटल होउछि ईटानगर, एहार चीफ मिनिस्टर होउछन्ती पेमा खांडू एवं गवर्नर होउछन्ती बीडी मिश्र। देखिबे एहार परवर्ती क्वेश्चन, द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो विल बी हेल्ड एट व्हिच प्लेस। 23तम इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो क्यों स्थान रे आयोजित हेबो? यार आंसर होची ऑप्शन ए, कोलकाता। सो कोलकाता ठारे 23तम इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजित हेबो। एहाकु ऑर्गेनाइज करचंती मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं एथिरे सहयोग करचंती सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो एहार आयोजक होचंती MPEDA बा मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एहार फाउंडेशन हेतला 1972 रे। एहार हेडक्वार्टर होचि केरल रो कोच्चि ठारे एवं एहार चेयरपर्सन होचंती KN राघवन। देखिबे एहार परवर्ती क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय इप्सोस इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इप्सो इंडिया रो एक सर्वे अनुसार एमानक मधुरु केउटी इंडिया रो सबुठारु ट्रस्टेड सबुठारु भरोसा योग्य इंस्टीट्यूशन हेछि? यार आंसर होछि ऑप्शन डी, डिफेंस फोर्सेस। सो इंडिया रो डिफेंस फोर्सेस इंडिया रे सबुठारु भरोसा योग्य इंस्टीट्यूशन भाबरे रैंक हेछि। तो इप्सोस इंडिया द्वारा करा जैथिबा एही सर्वे अनुसार सबुठारु भरोसा योग्य टॉप 5 इंस्टीट्यूशन होचंती, प्रथम डिफेंस फोर्स, सेकेंड रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तृतीय रे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोर्थ रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं फिफ्थ रे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इंडियन नावल शिप वाज रिसेंटली एट सैन डिएगो हार्बर USA ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର କେଉଁ ଜାହାଜଟି ଆମେରିକାର ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ହାର୍ବର୍କୁ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, INS ସାତପୁରା। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭାଲ୍ ସିପ୍ INS ସାତପୁରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆର
स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आमेरिकार यूएसए सैंडिएगो हार्बर बंदर ठारे पहुंची थिला एवं आईएनएस अतपुरा एठारे 75 लैब बा राउंड्स एठारे कंप्लीट करथिला। तो भारतर 75 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करिया पई आईएनएस सतपुरा एठारे एही 70 राउंड से करछंती। तो आईएनएस सतपुरा प्रथम इंडियन नाभाल शिप भाबरे नॉर्थ अमेरिकार वेस्ट कोस्ट पर्यंत पहुंची पारिछि। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली सस्पेंडेड। एमानक मध्यरु क्यों स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रो क्यों स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टिकु रिसेंटली सस्पेंड करा जैछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सो फीफा रिसेंटली फीफा काउंसिल ब्यूरो रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करछंती। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रे थर्ड पार्टी रो इन्फ्लुएंस अधिक रहुतिबारु अर्थात यहारो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहिछि कमिटी ता बदल रे थर्ड पार्टी अर्थात बाह्य फैक्टर जोगु ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रे अधिक इफेक्ट पड़ुथिबारु इन्फ्लुएंस रहुथिबारु फीफा एहाकु सस्पेंड करछंती। तो जे पर्यंत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रो एक नूतन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेशन हे नै से पर्यंत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सस्पेंडेड रहिबो। तो एही सस्पेंशन हेबा जोगु इंडिया रे आयोजित हेबाकु थिबा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल एहा वर्तमान इंडिया रे आयोजित हेबो नाही। तो एठी फीफा कथा आसला तो ता विषय टिके देखि दबा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल बा फीफा रो फाउंडेशन हेतला 1904 मे 21 रे। यार हेड क्वार्टर होची स्विट्जरलैंड रो ज्यूरिच ठरे एवं यार प्रेसिडेंट होचंती जियानी इन्फेंटिनो। तो वर्तमान फीफा सस्पेंड करचंती ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रो फाउंडेशन हेतला 1937 जून 23 रे। यार हेड क्वार्टर होची दिल्ली रो द्वारका ठरे। देखिबे यार परवर्ती क्वेश्चन, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया नाउ। वर्तमान इंडिया रे केतोटी रामसर साइट अछि। यार आंसर होची ऑप्शन बी 75। सो वर्तमान इंडिया रे सर्वमोट 75 टी साइट को रामसर साइट आकारे डिजिग्नेट करा जैछि। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 टी नूतन रामसर साइट को डिजिग्नेट करछंती। तो एही नूतन 11 टी रामसर साइट को मिसे कि वर्तमान इंडिया रो रामसर साइट संख्या हो जैछि 75। तो एहा भारत रो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सहित एहा कोइनसाइड करूची। तो वर्तमान 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रे वर्तमान इंडिया रे रहिची 75 रामसर साइट्स। तो रामसर साइट कौन ना जेउ वेटलैंड बा आद्र भूमि गुडी करो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रही थाए तांकु रामसर कन्वेंशन बा कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड अनुसारे रामसर साइट आकारे घोषणा करा जाय थाए। सो परिवेश प्रति तांकर इंटरनेशनली इम्पोर्टेन्स रहिथाय तो सेभळी वेटलैंड बा आद्रभूमि मानकु रामसर साइट बोली घोषणा करा जायथाय। तो वर्तमान 11 टी रिसेंटली नूतन रामसर साइट को घोषणा करा जायछि। तो सेगुडा टिके देखि देबा को कोटा। सो एही नूतन 11 टी रामसर साइट रे ओडिसा रु रहिछि 3 टी। तो ओडिसा रु को 3 टी रहिछि तंपरा रे लेक हिराकुद रिजर्वा एवं अंशुपा लेक। तो एही 3 टी रामसर साइट ओडिसा रु रहिछि। तापर रहिछि मध्यप्रदेश रु यशवंत सागर मध्यप्रदेश रु गोटिए रामसर साइट डिजिग्नेट करा जैछि। तमिलनाडु रो 4 साइट को रामसर साइट आकारे डिजिग्नेट करा जैछि। सेगुडी को हला चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स विदुपुर बर्ड सेंचुरी कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी। तो एही 4 हला तमिलनाडु रो। तापरे महाराष्ट्र रो थाने क्रिक एवं जम्मू एंड कश्मीर रो रहिछि 2 हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एवं सलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो जम्मू एंड कश्मीर रो रहिछि 2।
देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नेट ग्रिड और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। एमानक मध्यरु काहाकु नेट ग्रिड बा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड रो नूतन सीईओ आकारे नियुक्त करा जैछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी पीयूष गोयल। सो आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल को नेट ग्रिड बा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड रो नूतन सीईओ आकार अपॉइंट करा जाइछि। पीयूष गोयल वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे एडिशनल सेक्रेटरी आकार कार्य करछंती। तो ये मिनिस्टर पीयूष गोयल नहंती, ये आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल। तो से वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे एडिशनल सेक्रेटरी अछंती। तो तांकु वर्तमान नेट ग्रिड रो नूतन सीईओ आकार अपॉइंट करा जाइछि। तो नेट ग्रिड बा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड रो फाउंडेशन इतला 2009 रे, यार हेडक्वार्टर छि न्यू दिल्ली ठारे, एवं एहारो इलेक्टेड ऑफिसर रेस्पोंसिबल होचंती मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो वर्तमान होचंती अमित शाह, एवं सीईओ आकार वर्तमान नियुक्त हेले पीयूष गोयल। देखिबे हर परवर्ती क्वेश्चन, बैंक हैज लॉन्च्ड द उत्सव डिपॉजिट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करिया पई एमानक मधुरु केउ बैंक उत्सव डिपॉजिट स्कीम नामक एक स्कीम टिकु लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्षे एक नूतन फिक्स डिपॉजिट स्कीम उत्सव डिपॉजिट स्कीम टिकु लॉन्च करछंती। तो एही फिक्स डिपॉजिट स्कीम रो इंटरेस्ट रेट अन्य मानक अपेक्षा अधिक रहिछि, एवं एहा गोटे लिमिटेड टाइम पई लॉन्च करा जैछि। तो एहा लॉन्च करछंती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ता विषय टिके देखि देबा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो फाउंडेशन हेतला 1955 जुलाई 1 रे, यार हेडक्वार्टर हेछि न्यू दिल्ली ठारे, एवं एहार चेयरपर्सन होछंती दिनेश कुमार खरा। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली एमानक मधेरु केउ इनिशिएटिव टिकु लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन डी ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। सो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा रिसेंटली ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नामक एक इनिशिएटिव टी लॉन्च करा जैछि। तो रेलवे स्टेशन मानक रे यात्री मानकु सब समय रे सुरक्षा जोगेबा पई एही इनिशिएटिव टी को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा लॉन्च करा जैछि। तो ई इनिशिएटिव लॉन्च करछंती इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ता बिषय टिके देखि देबा, आरपीएफ रो फाउंडेशन हेतला 1872 जुलाई 2 रे, यार हेडक्वार्टर छि न्यू दिल्ली ठारे, एवं यार डायरेक्टर जनरल होछंती संजय चंदर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वेयर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022। ए वर्षर स्वाधीनता दिवस उपलक्षे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू केतोटी गैलेंट्री अवार्ड को अप्रूवल दैछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन सी 107, ऑप्शन सी 107। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए वर्षर स्वाधीनता दिवस उपलक्षे 107 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूवल दैछंती। तो एही 7 गैलेंट्री अवार्ड्स रु 3 रहिछि कीर्ति चक्र, 13 रहिछि शौर्य चक्र, 3 रहिछि बार टू सेना मेडल, 81 रहिछि सेना मेडल, गोटे रहिछि नौसेना मेडल, एवं 7 वायुसेना मेडल। तो सर्वमोट 107 गैलेंट्री अवार्ड इंडियन आर्म फोर्स एवं सेंट्रल आर्म फोर्स को 107 गैलेंट्री अवार्ड्स ए वर्ष प्रदान करा जिवो। देखिबे यार परवर्ती क्वेश्चन, राकेश झुनझुनवाला हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। राकेश झुनझुनवाला जहां को रिसेंटली देहांत होइछि से एमानक मधेरु कौन थिले। यार आंसर होची ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला रिसेंटली 62 वर्ष वयस रे देहांत होईची। राकेश झुनझुनवाला जणे बिलियनर बिजनेसमैन तथा स्टॉक ट्रेडर एवं इन्वेस्टर थिले। से विभिन्न कंपनी रे इन्वेस्ट करिया सहित तार डायरेक्टर एवं चेयरपर्सन आकार मध्य से कार्य करथिले। आकाश एयर रिसेंटली लॉन्च हेथिबा एयरलाइन कंपनी आकाश एयर रो मध्य से फाउंडर थिले। तांकु इंडिया रो वॉरेन बफे बा एवं बिग बुल ऑफ इंडिया आकार मध्य तांकु
संबोधन करा जाउतला रेफर करा जाउतला। देखिबे हर परवर्ती क्वेश्चन, लंडन होम ऑफ दादाभाई नरोजी हैज बीन ऑनर्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूनाइटेड किंगडम। दादाभाई नरोजी कर लंडन ठारे थिबा घर को यूनाइटेड किंगडम द्वारा एमानक मधुर केउ सम्मान रे सम्मानित करा जाय छि। यार आंसर होछि ऑप्शन ए ब्लू प्लैक ऑनर। सो लंडन ठारे थिबा दादाभाई नरोजी कर लंडन ठारे थिबा बासस्थान को यूनाइटेड किंगडम रे ब्लू प्लैक ऑनर द्वारा सम्मानित करा जाय छि। तो ब्लू प्लैक स्कीम कौन ना इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा लंडन रे जो सब हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एवं पर्टिकुलर बिल्डिंग सब अच्छी ऑनर करने सम्मान करने ब्लू प्लैक स्कीम टी इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी चढ़े था। तो वर्तमान लंडन ठार दादा भाई नरजी बासस्थान को ब्लू प्लैक ऑनर दि जाए। तो यह यूनाइटेड किंगडम रे, तो यूनाइटेड किंगडम विषय टी देखिद, यूनाइटेड किंगडम रो कैपिटल होची लंडन एवं यार करेन्सी होची पाउंड स्टर्लिंग। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच स्टेट। ऋषभ पंत को क्यों स्टेट यार ब्रांड एम्बेसडर आकार नियुक्त करछि। यार आंसर होची ऑप्शन बी उत्तराखंड। सो ऋषभ पंत उत्तराखंड रो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर आकार नियुक्त होती। तो उत्तराखंड विषय टी देखिद, उत्तराखंड रो समर कैपिटल होची बरारी सेन एवं विंटर कैपिटल होची देहरादून। यार चीफ मिनिस्टर होचंती पुष्कर सिंह धामी एवं गवर्नर होचंती गुरमीत सिंह। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडिया ऑब्जर्व्ड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑन व्हिच डेट। क्यों तारीख रे इंडिया रे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे पालन करा जायतिला। यार आंसर होची ऑप्शन बी 14 अगस्त। सो ए वर्ष 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे आकार पालन करा जायतिला। सो 1947 रे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन समय रे लोक माने जो सब कष्ट भोगिथिले तांकर जो सब बलिदान सब रहीथिला ताकु मने पकेबा पई 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे आकार मार्क करा जायछि। तो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे आकार कमेमोरेट करिया पई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गत वर्ष इंडिपेंडेंस डे स्पीच रे कहिथिले। तो ए वर्ष 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे आकार मार्क करा जायछि। सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करोश्चेन्स रनसर्स। जदि आज भिडियोटे आपको भल लगी ताक लाइक और सेयार करूँ। प्रतिदिन एभली इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज करेन्ट अफेयर PDF आपण मैंने गुगुल ड्राइव और टेलीग्राम डाउनलोड करें। यार लिंक डिस्क्रिप्सन बक्स दी जाइए। थैंक यू फर व्वाचिंग।